गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 8:30 और बच्चे हमारे जा चुके हैं स्कूल। नहा धो के हम लोग हो चुके हैं फ्री, घर का सारा काम हो चुका है डन। और अभी बना रही हूँ मैं शमी जी के लिए चपाती और ऑमलेट। तो अभी खाते हैं खाना और मिलते हैं आपको थोड़ी देर। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और अभी मैं आया हूँ बच्चों को स्कूल से लेके। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो हमारे बच्चे स्कूल से आके कितने ही समझ जा रहे हैं, स्कूल से आके क्या करते हैं। अभी पहुँचे हैं, कपड़े वगैरह खोले हैं। और तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, हमारे बच्चे स्कूल से आके ही देखो दोनों ने फ़ोन पकड़ा है। कोई कुछ नहीं, कुछ खाना पीना या कुछ थोड़ी देर आके रेस्ट कर लो, कुछ नहीं, बस अपना अपना इन्होंने मतलब फ़ोन पकड़ा। अब कल से इनके फ़ोन दोनों मैं अलमारी में लॉक कर रहा हूँ, इनको फ़ोन नहीं दिया जाए। कमेंट करके बताएं इन बच्चों का क्या इलाज किया जाए, जो इतना ज़्यादा भी देखो कब उन्हें यहाँ जूते फेंके हैं, यूनिफॉर्म वहाँ फेंकी है और आ गया और सीधे कार्टून देख गया। और डुग्गू ने भी ऐसा किया अंदर, इसने भी फेंक किया। मैं अभी 2 मिनट बाद पकड़ा है, मैंने अब तक से मैंने नहीं पकड़ा है। 2 मिनट बाद पकड़ा, अभी तो स्कूल से पहुंचे। हाँ, स्कूल से आके कपड़े चेंज किए और फोन पकड़ लिया तुमने, अंदर से आई फोन लेके। तो भाई बाहर को कबू भी आया और अपने कपड़े खोले और फटाफट अंदर गया और फोन उठाया और बैठ के यहाँ आके बैग भी देखो यहीं पड़ा, अभी तक बैग भी नहीं उठाया। गाइस, मैं अभी पढ़ाई करनी है। हाँ जी। हे गाइस, तो शाम के बज चुके हैं 4। तो अभी मैं गया था मार्केट, मेरे को करवाना था आज अपना हेयर कट। तो थोड़ी सेटिंग करवाई क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रखी है और मुझे इरिटेशन सी हो रही है, हो रही थी। कल संडे था तो कल आपको पता ही है सैलून में रश कितना होता है। तो वहाँ पे मैं वो गया था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी आ रश था। मैंने सोचा मंडे को जाएंगे, अभी गया था दिन को, सैलून बिल्कुल खाली था। तो वहाँ पर मैं आराम से अपना हेयर कट करवा के आ गया। तो गाइस, यहाँ हो रहा है, इनका मेकअप हो गया। कितना टाइम लगे अभी? कूड़ा भी लेके जाना है। तो गाइस, हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं एक बहुत अच्छी सी लोकेशन देखने के लिए। हमारे नियर बाय कोई अच्छा सा पार्क हमने सुना है, हमारे पड़ोस में कोई बोल रहा था कि वो वहाँ बहुत अच्छा पार्क है। तो फिलहाल हम दोनों जाएंगे, देख के आएंगे कि बच्चों को लेने लायक है कि नहीं है, कैसी कितना क्राउड है वहाँ पे, कितने ज़्यादा लोग आते हैं, उस हिसाब से फिर बच्चों को लेके जाएंगे 1-2 दिन के बाद। तो अगर हो सके तो मैंने डाली अपना मेकअप साथ में, तो वो अगर अच्छा लगा, ज़्यादा क्राउड नहीं हुआ, तो वहाँ बनाएंगे अच्छी सी रील्स। तो कभी मैं जाऊँ आपके लिए पार्क देख के आऊँ अच्छा सा? मुझे ना वो चाहिए। क्या? मुझे ना मॉल देखना है। मॉल देखना है? आपने देखा नहीं मॉल? इतनी बार तो गए हम, किच्चू बदमा मम्मा गए। तो ये है हमारी डुगू। ओके, तो गाइस हम आपको लोकेशन पे मिलेंगे, दिखाते हैं आपको कौन सी जगह पे हम लोग आए हैं। तो अभी निकले चले चलते हैं। तो गाइस, आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा रहा स्कूल में, और आज क्योंकि आज कोई पढ़ाई नहीं हुई, सारी पढ़ाई नहीं हुई और सदिन का बहुत अच्छा हुआ बेटे। वाह, नो होमवर्क, होमवर्क कैसे, कौन होमवर्क बताता था वैसे ही। चलो पानी की बोतल, तो पानी की बोतल भी लेनी। और यहाँ भाई 2-3 दिन से ना कूड़ा फेंकने नहीं गए ना, तो देखो कितना बड़ा बढ़ गया बोरी, तो बोरी बढ़ गई है, लेके जाते हैं। दूध लगा दो फ्रिज में। तो गाइस, मैंने बनाया था रुआजा और मैंने उसके अंदर चीनी डालना भूल गया, पापा वाली बोतल दिया बिना चीनी वाला। लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, डेली लाइट जा रही है। कल भी रात को 2 बजे आई थी, लेकिन इन्वर्टर है। चलो आराम से एक पंखे, एक कमरे के अंदर बंदा आराम से फैन लगा के बैठ सकता है। चलो चलो। हे गाइस, तो शाम के रात बज चुके हैं 8 और मैं पहुंच चुकी हूँ अभी घर में। हम लोग लाए घर में खाने के लिए बोलो पे, क्योंकि वहाँ बच्चे साथ गए नहीं थे, लोगों भी ऐसा करते हो, बच्चे साथ गए नहीं थे इसलिए हम घर में पैक करा के ले आए ताकि ये लोग भी खा सकें। कबू तो खाता नहीं उतना ढंग से, पर डुगू को काफ़ी पसंद है इसलिए। तो गाइस, अभी अभी खाना बनाने की तैयारी हो रही है, बस अभी गोलगप्पे खा के खाना बनाते हैं, मिलते हैं। इसको डॉक्टर के साथ करते हैं। मैं खड़े होके नहीं करना आता। अरे भाई साहब, होमवर्क कर लो, क्या कर रहे हो? नहीं खड़े। तो गाइस, यहाँ पे और ये कबू की पढ़ाई, और ये करनी रहा है पढ़ाई। क्या है मम्मा?
सर्कल करो टू को, सर्कल टू नंबर सर्कल यहाँ पे सर्कल करो, गोल गोल बड़ा गोल, छोटा सा नहीं बेटू बड़ा वाला, टू बना रहा है ये, टू नहीं गोल राउंड, जैसे आपने यहाँ पे किया ना सर्कल, देखो ये किसने किया सर्कल, मैंने, हाँ तो यहाँ पे भी करो, वेरी गुड, कमाल कर रहे हो कबू तुम तो, अभी तो टेढ़ा मेढ़ा सर्कल है, कबू साहब तो आजकल बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहा है, भाई किसका है, मैंने एक थप्पड़ दे देना है और कुछ नहीं है, मैंने बोला सर्कल करना है इसको, ऐसे करना है, दिखाओ गाइस, मम्मा बोल रहे सर्कल करने का, और कबू बना रहा है टू ऐसे, ओके करो अब समझ गए, टू को करो, इसको करो, इसको भी, इसको गोला बना, हाँ गोला बना, गोला वेरी गुड, इसको भी बना गोला, रात के बच्चों के 10:30 और हमारा डिनर हो गया रेडी, तो बस अब हम थोड़ी देर में खाना खाने वाले हैं, क्योंकि अभी बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, कबू को आज इतनी थपेड़े पड़े हैं ना, इतनी मार पड़ी है इसको, इसका गाल लाल हो गया, करता ही नहीं है होमवर्क, कर नहीं रहा अपना, आज पहले इसको मम्मा से मार पड़ी, फिर पापा से मार पड़ी, अभी तक इसने एक भी बी नहीं लिखा है, और ये जो बी लिखा है मैंने और मम्मा ने लिखा है, तो आज कबू को पता नहीं क्या हो गया, कर नहीं रहा अपना होमवर्क, एक घंटा हो गया इसको ना करवाते करवाते, चलो अभी सिर्फ एक बुक करना, आपको गिल्ला करने के लिए आया हूं, चलो तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो को करते हैं इसी के साथ एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत, चलो।